नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हरियाणा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। गोहाना में वजीर आजम मोदी की रैली, कांग्रेस पर किया शदीद हमला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज पर लगाया निशाना। जम्मू की रैली में कहा, रियासत के आवाम का जमहूरी हक छीना गया। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले गए वोट। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा पैर में भी मारी जा सकती थी गोली। और लेबनान पर इसराइल के हमले जारी, 600 लोगों की मौत। हिजबुल्ला के मिसाइल यूनिट के चीफ की मौत की भी खबर। हरियाणा में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत में कई बड़े लीडरों की रैलियां हुई हैं। सोनीपत के गोहाना में वजीर आजम मोदी ने रैली की, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना लगाया। साथियों, आज हमारे भारत में एक और चुनौती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही बात करती है। हमारे देश में खेत का साइज भी लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, जमीन के टुकड़े होते हैं, जमीन बढ़ जाती है, धीरे धीरे एक छोटा टुकड़ा बच्चों के नसीब आता है। आबादी बढ़ रही है लेकिन खेत छोटा हो रहा है। ऐसे में खेती से जुड़े सभी अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि गांव में खेती के साथ साथ कमाई के दूसरे जरिए भी होने चाहिए। अकेली खेती पे गुजारा पूरे परिवार के लिए, और इसलिए हर मां बाप चाहता है कि एक बेटा खेती करेगा, दूसरा शहर में जाके काम करेगा। और इसलिए जब उद्योगों का विस्तार होता है तो उससे किसानों का जीवन भी बेहतर होता है। इससे किसान परिवार के बच्चों को भी अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे अवसर मिलते हैं। और इसलिए साथियों, भाजपा खेती को भी बढ़ावा देती है, व्यापार कारोबार को भी बढ़ावा देती है। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने एक इंतखाबी रैली में रोजगार समेत कई उमूर को लेकर मरकजी सरकार पर निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, यहां के आवाम से जमहूरियत छीन ली गई है। जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीन कर उसे मरकज के मातहत कर दिया गया है, इससे रियासत के बाहर के लोग चलाते हैं। हिंदुस्तान के हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है।
और मैं इस स्टेज से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। अब जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने नफरत फैलाई उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई और 4,000 किलोमीटर चले यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए कि हम मैसेज देना चाहते थे, ये भाईचारे का मोहब्बत का देश है, ये सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के लिए बुध को पोलिंग हुई। दूसरे मरहले में 6 जिलों की 26 सीटों पर वोट डाले गए। बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एलजी अपना है, प्राइम मिनिस्टर अपना है, तो क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए बताइए मुझे? उनका एलजी नहीं है क्या? तो अगर इतना उनको शौक है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम हो, तो गवर्नर पहले जम्मू का बनाना चाहिए था, एडवाइजर जम्मू के बनाने चाहिए थे। तो जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। बिल्कुल, जो 10 साल से जम्मू कश्मीर में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट चल रहा है, जो 10 साल से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का माहौल है, जो 10 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों की अस्मिता पे प्रहार किया गया है, जो उनके संसाधनों को लेके बाहरियों को दिया गया और जिस तरह से स्पेशली जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को छीना गया, आजाद हिंदुस्तान में किसी भी राज्य को घटाकर यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, जो वो किया गया वो सर्वथा गलत है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे लगता है हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह का वोटर टर्नआउट दिख रहा है दोनों जगह और जिस तरह का प्रचार प्रसार भी हमने देखा, बीजेपी के जुमलों पर लोगों का यकीन नहीं है और बीजेपी की जो जुमलेबाजी है उससे लोग उकता चुके हैं और वो जरूर परिवर्तन चाहते हैं। गठबंधन तो हो गया है जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस का, लेकिन दिल मिले हुए नहीं है। मैनिफेस्टो में अलग है दोनों के और दोनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, मीडिया के जरिए कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि जम्मू में भी प्रचार कीजिए। कांग्रेस ये सोचती है कि ज्यादा प्रचार करेंगे राहुल जी तो वोट घट जाएगा, तो आपस में द्वंद है। क्योंकि जब से अमेरिका में भारत के खिलाफ बोलकर आए हैं, कांग्रेस राहुल गांधी को छिपा रही है, वो ज्यादा प्रचार भी नहीं करा रही है। उनको लगता है राहुल गांधी जाएंगे तो उससे वोट पे निगेटिव असर पड़ जाएगा।
मुख्तलिफ मुल्कों के सफीरों के वफ्द ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के अमल को देखने के लिए वहां का दौरा किया। वफ्द के अरकान श्रीनगर के बेमीना हल्के में एक पोलिंग मरकज पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 सीटों पर आज पोलिंग हुई है। We have been visiting one polling station. This is the second. The organization is smooth. And we are told it has started 7 to the end in 6. And so far, the percentage here is 10% who have already cast their vote. And they are expecting everyone to come and the whole exercise will end at 6 when everyone has been already at the polling station to exercise their civil right. This is your first visit to J&K? Yes. This is my first time in Srinagar, and it's of course important for us to visit different states and territories in India to see the election and to talk to the people. That's the most important thing. This is your first visit to J&K? Yes, it is. The organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness the polling in progress. What I see that people are just excited to vote, and they're bringing children so that they can start learning how the democratic process is. This will be the very good voters later, because they are learning the processes when they are still little kids. So this is so fascinating to me. I have never seen this kind of practice before. This is my first time, so it is satisfying. First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, you know. So congratulations, you know, for well organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. You know, the kids are here, even though, you know, they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right, how democracy works. So that was really impressive. Delegation ke hawale se समझ में नहीं आता, यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ, इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बदलापुर जिनसे इस्तेसाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुलजिम के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि मुलजिम अक्षय शिंदे की मौत को टाला जा सकता था। कोर्ट ने पुलिस से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या मुलजिम के सिर में गोली मारने जरूरी थी? क्या उसके हाथ और पैर में गोली नहीं मारी जा सकती थी? बदलापुर मामले के मुलजिम अक्षय शिंदे के बाप ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अक्षय शिंदे के बाप अन्ना शिंदे ने मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है। अन्ना शिंदे ने इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे को फर्जी एनकाउंटर में कत्ल किया गया है। मुंबई में कई जगह होर्डिंग लगे हैं, जिस होर्डिंग में देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, उनके हाथ में पिस्टल है और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बदला पूरा। ऐसे होर्डिंग मुंबई में कई जगह लगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देवेंद्र जी? ये होर्डिंग यदि आपने स्वयं लगाए हैं तो बताइए, आपके नाम पर किसी ने लगाए हैं तो बताइए। अगर आपने लगाए हैं बदला पूरा करके, तो आज ही जो हाई कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, जिसमें हाई कोर्ट कह रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर है ये प्रथम दृष्टि में गड़बड़ नजर आ रहा है, एक आरोपी को
पुलिसकर्मी पकड़ नहीं पाए, गोली मारी गई तो सिर में क्यों मारी गई, हाथ और पैर में क्यों नहीं मारी गई, बाकी दो गोली कहां गिरी। एक तरफ हाईकोर्ट ये टिप्पणी दे रहा है, दूसरी तरफ आपके नाम पर आपकी तस्वीर लगा के बदलापुरा के होर्डिंग लगे हैं। अगर ये आपकी जगह किसी और ने लगाए हैं तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, होर्डिंग क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? अगर आपने लगाई है तो क्या आप कोर्ट से भी बड़े हो गए? बदलापुरा का मतलब क्या होता है? मतलब क्या ये इनकाउंटर फेक है? क्या ये जानबूझकर किया गया इनकाउंटर है? क्या ये मुठभेड़ नहीं है और मुठभेड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है? तथ्य तो सामने आने ही चाहिए, आने ही होंगे। अब चूंकि इसकी जांच चल रही है, इसकी न्यायिक जांच होगी, सब सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये श्रेय लेने की कौन सी राजनीति आपने शुरू कर दी है कि होर्डिंग्स लगवा रहे हैं या आप नहीं लगवा रहे हैं या लगवा रहे हैं, तीसरा तो कुछ है नहीं। तो जवाब कौन देगा? जवाब तो आपको ही देना होगा ना, गृह मंत्री आप हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बेंगलोर की एक खसूसी अदालत ने मैसूर शहरी तरक्याती अथॉरिटी मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त के अहल अफसर के जरिए जांच का हुक्म दिया है। कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूर जिला पुलिस MUDA घोटाले की जाँच करेगी और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। शिकायत कुनिंदा स्नेमयी कृष्णा ने एक निजी शिकायत के साथ अवामी नुमाइंदों की खसूसी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। खसूसी अदालत का यह हुक्म हाईकोर्ट के जरिए MUDA मामले में सिद्धरमैया के खिलाफ जांच करने के लिए गवर्नर थावर चंद्र गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है। मेरा मान पड़ा, इंक्वायरी होने देना, इंक्वायरी के अंदर जो फैक्ट है वो बाहर आएगा ना, इंक्वायरी होने दो, इंक्वायरी के लिए मना नहीं है। हमारा क्या प्रोसिक्यूशन कल भी हमारा माध्यम के अंदर देखा, मैं कल भी एक तरीके से हमारी जीती हुई, हमने प्रोसिक्यूशन जो दिया था गवर्नर ने वो गलत है करके, अभी प्रोसिक्यूशन ने उन्होंने रद्द कर दिया। आज कोर्ट ने आज तनिक इंक्वायरी करना करके एक आदेश किया, दिसंबर तक आदेश है, इंक्वायरी होने दो, फैक्ट मालूम हो जाता ना। अभी हमारा इसके अंदर CM का कोई पात्रा नहीं है, ये जानबूझकर पॉलिटिकल ये गेम करके ये हो रहा है। बिल्कुल इस मामले में हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये इश्यू मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, और जब इन्वेस्टिगेशन मुख्यमंत्री और उसके फैमिली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना है, इतना आसान की बात नहीं है। वी कांट एक्सपेक्ट इन्वेस्टिगेशन बाय लोकल पुलिस और लोकायुक्त पुलिस। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी का मांग है, सही तरीके से, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना है मैसूर मुडा स्कैम में। इसलिए इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी CBI की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना है, ये हमारा डिमांड है। अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने PM मोदी और BJP के कौमी सदर JP नड्डा का जिक्र करते हुए 5 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल में साबिक CM ने ED CBI का गलत मंशा के इस्तेमाल करने का जिक्र किया है। इसके अलावा ED CBI का खौफ दिखाकर दूसरी पार्टी के लीडरान को तोड़ने और सरकारें गिराने, बदउनवान लीडरों को BJP में शामिल करने, गुमराह होती BJP पर RSS की जवाबदेही और 75 बरस का होने पर रिटायरमेंट के फैसले पर मोदी के अमल न करने से मुतालिक सवाल शामिल है। BJP ने पार्टी के रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। BJP ने बयान जारी कर कहा है कि कंगना जो कह रही हैं उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है, एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। इस बीच BJP के MP कंगना रनौत ने अपना अफसोस जाहिर करते हुए अपना मुतनाज़िया बयान वापस ले लिया है। कंगना ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने उनसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और उन्होंने सलाह दी कि किसानों को वज़ीर-ए-आज़म मोदी से किसान कानून वापस लेने की अपील करनी चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग मायूस हैं,
कंगना रनौत ने आगे कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कारकुन है और उनकी राय उनकी अपनी राय न होकर पार्टी का रुख होनी चाहिए। इसलिए अगर उनकी बातों और उनकी सोच से किसी को मायूसी हुई है तो उन्हें अफसोस रहेगा और वो अपने अल्फाज वापस लेती हैं। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि एनसीआर की रियासतों में बढ़ने वाली आलूदगी की सतह का असर दिल्ली पर पड़ता है और इसे कम करने के लिए मरकजी सरकार की भी जरूरत हमें पड़ती है। जब सभी एजेंसियों सरकारें मिलकर काम करेंगी तभी असरदार तरीके से आलूदगी से लड़ा जा सकता है। दिल्ली के साथ साथ जितने एनसीआर के राज्य हैं वहां जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है उसका प्रभाव भी दिल्ली पे पड़ता है और देश के अंदर केंद्र की सरकार की भी हमें जरूरत पड़ती है इस प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए। सभी एजेंसियां सभी सरकारें मिल करके जब काम करेंगी तभी प्रभावी तरीके से प्रदूषण से लड़ा जा सकता है। इसलिए इस साल के विंटर एक्शन प्लान की जो प्रमुख थीम है मिलकर चलें और प्रदूषण से लड़ें, इसी थीम पर हमारी सरकार अपने विंटर एक्शन प्लान को लागू करने की तरफ बढ़ेगी। हमने जो सामूहिक प्रयास किए उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है। दिल्ली में 2016 में जो प्रदूषित दिन थे जो खराब दिन थे उनकी संख्या 243 थी, 243, जो 2023 में घट करके 159 रह गई है, लगभग 34.6% प्रदूषण के स्तर में कमी। पिछले साल तक जो 365 दिन का एनालिसिस रिपोर्ट आई है उसमें देखा जा रहा है ये जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है इसमें सरकारों के प्रयास के साथ साथ जनता की जो सहभागिता है और जन जागरूकता है उसका एक अहम रोल है। इसलिए ये जो प्रदूषण का स्तर गिर रहा है जनता के सहयोग के साथ साथ सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए गए उसमें 10 ऐतिहासिक कार्य सरकार ने किए, जो निर्णय लिए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप विंटर एक्शन प्लान तो सर्दियों के लिए लाते हैं, आपकी सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है? सरकार की निरंतर कार्य प्रणाली की वजह से, निर्णयों की वजह से, कामों की वजह से हम ये 34% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल। दिल्ली के नुमाइंदा अदबी व सकाफती तंजीम नई आवाज ने नेपाल से तशरीफ लाए शायर इम्तियाज वफा के जश्न का अहतमाम किया जिसमें सरकर्दा सियासी समाजी व अदबी शख्सियात ने शिरकत की। जश्न इम्तियाज वफा के मेहमान खसूसी पार्लिमानी रुकन और साबिक मरकजी वजीर तारिक अनवर थे जबकि इफ्तिताह दिल्ली पुलिस के DSP जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। तकरीब की सदारत दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल ने की।
जामिया हमदर्द के प्रोफेसर खुर्शीद अहमद अंसारी और सियासी व समाजी शख्सियत कलीम उल हफीज मेहमान ज़ीवाकार के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को एजाजात भी पेश किए गए। दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी और रजाकार तंजीम शिखर के डायरेक्टर नदीम अख्तर को तालीम के फरोग और समाजी बेदारी के लिए काबिल जिक्र काम के एतराफ़ में अवार्ड दिया गया। झांसी के दिलशेर दिल को अदबी प्रोग्रामों के इनेकाद के लिए बेहतरीन कन्वीनर का अवार्ड और डॉक्टर सैयद तनवीर अहमद और उस्मान कुरैशी को बेहतरीन सामे का अवार्ड पेश किया गया। आखिर में एक मुशायरे का अहतमाम हुआ जिसमें दिल्ली और बैरून दिल्ली के शुरा ने कलाम पेश किए। तकरीब की नकाबत माहनामा सलाहकार के मुदीर हामिद अली अख्तर ने और मुशायरे की निजामत नई आवाज़ के बानी जनरल सेक्रेटरी एजाज अंसारी ने की। सदर मुशायरा प्रोफेसर शैपर रसूल साहिब जश ने इम्तियाज़ वफा मेहमान एजाजी चंद्रमणि त्रिपाठी के अलावा मुशायरे में जिन शायरों ने कलाम सुनाया उनमें एजाज अंसारी राशिदा बाकी हया शाहिद अंजुम मोइन शादाब अब्दुल जब्बार शारिफ कलीम जावेद रफीक नागौरी अजमल आरिफ आजमी अब्दुलरहमान मंसूर अजय अक्स हामिद अली अख्तर समर बछरावनी फरमान चौधरी असलम जावेद सपना एहसास गुलबहार सिद्दीकी और अनवार देहलवी के नाम शामिल हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बांग्लादेश की नई अबूरी सरकार के सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और बांग्लादेश की सरकार को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बाइडेन और मोहम्मद यूनुस की यह मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई है। मुलाकात के दौरान कई अहम इशूज पर तबादला ख्याल हुआ। मोहम्मद यूनुस की जो बाइडेन से मुलाकात की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हम आपको बता दें कि हमसाया मुल्क बांग्लादेश में इख्तदार की मुंतकली के बाद मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद मुल्क में अबूरी सरकार तश्कील दी गई थी। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ महाज खोल दिया है। आईडीएफ ने लेबनान में भारी तबाही मचाई है। पीर को इसराइल ने हिजबुल्ला के खिलाफ सबसे खतरनाक हमला किया है और इस हमले में 90 से ज्यादा खवातीन और बच्चों समेत करीब 600 लोग मारे गए हैं। इनमें 35 बच्चे और 58 खवातीन शामिल हैं। जख्मियों की तादाद 1600 से भी ज्यादा है। हरियाणा में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। गुहाना में वजीर आजम मोदी की रैली, कांग्रेस पर किया शदीद हमला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मरकज पर लगाया निशाना। जम्मू की रैली में कहा, रियासत के आवाम का जमहूरी हक छीना गया। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की पोलिंग मुकम्मल। 6 जिलों की 26 सीटों पर डाले गए वोट। बदलापुर एनकाउंटर पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा पैर में भी मारी जा सकती थी गोली। और लेबनान पर इसराइल के हमले जारी, 600 लोगों की मौत। हिजबुल्ला के मिसाइल यूनिट के चीफ की मौत की भी खबर। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ाओ।